यूक्रेन के ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर पावर प्लांट से रेडिएशन का खतरा एक बार फिर से बढ़ गया है। यूक्रेन का आरोप है कि रूस इस पर लगातार बमबारी कर रहा है और इससे प्लांट में आग लग सकती है। रूस यूक्रेन युद्ध में अब परमाणु खतरा मंडरा रहा है। यूक्रेन का ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर पावर प्लांट से रेडिएशन का खतरा बढ़ गया है। यूक्रेन का आरोप है कि यूरोप के सबसे बड़े परमाणु बिजली संयंत्र पर रूस ने लगातार बमबारी की है, जबकि रूस आरोप लगाता है कि यूक्रेन ने प्लांट पर हमला किया है। दक्षिण यूक्रेन में स्थित ज़ापोरिज़्या प्लांट फिलहाल रूस के कब्जे में है। यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि लगातार बमबारी से ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर पावर प्लांट के इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे हाइड्रोजन लीकेज का खतरा बढ़ गया है। साथ ही परमाणु विकिरण और आग लगने का खतरा भी बढ़ गया है। यूक्रेन के स्टेट एनर्जी ऑपरेटर ने कहा कि फिलहाल प्लांट को रेडिएशन और फायर सेफ्टी के खतरे को दरकिनार कर ऑपरेट किया जा रहा है। रेडिएशन लीक के खतरे को देखते हुए ज़ापोरिज़्या पावर प्लांट के आसपास रहने वाले लोगों को आयोडीन की टैबलेट्स बांटी जा रही हैं। प्लैनेट लैब ने सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं, जिनमें ज़ापोरिज़्या कॉम्प्लेक्स के आसपास पिछले कुछ दिनों से आग लगी देखी जा सकती है। यूक्रेन और रूस दोनों एक दूसरे पर ज़ापोरिज़्या पर हमले का आरोप लगाते रहे हैं।